गाइस कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक करता हूं तुम सभी लोगों का हमारे एक नई फ्रेश ब्रांड वीडियो के साथ। गाइस यार देखो आज की वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं यार, अगर तुम भी चाहते हो अपने डेस्कटॉप पे ग्रैनी चैप्टर 3 डाउनलोड करना तो कैसे कर सकते हो। गाइस देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं यार, ये देखो ग्रैनी चैप्टर 3 एक गेम है यार, वो हॉरर गेम है जो एंड्रॉयड और iOS के लिए लॉन्च हुआ था। बट स्टिल यार इस गेम को तुम अपने डेस्कटॉप पे डाउनलोड करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। तो यार देखो आज का वीडियो ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो में बने रहो। वीडियो पसंद आए वीडियो को जरूर से लाइक करना और चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस देखो मैं आपको जितना भी स्टेप बताऊंगा ना आज एकदम इजी स्टेप बताऊंगा, जिस स्टेप को तुम भी फॉलो करके एकदम सिंपली वे में ग्रैनी चैप्टर 3 अपने डेस्कटॉप के लिए डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस देख लो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी गाइस यार देखो यहाँ पे मैं अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन पे आ गया। यहाँ पे आने के बाद मेरे भाइयों तुम्हें डाउनलोड करना है ग्रैनी चैप्टर 3 अपने डेस्कटॉप के लिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे भाइयों, तुम्हें सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, जिस सॉफ्टवेयर के अंदर जाके तुम उस गेम को डाउनलोड कर सकते हो। गाइस वहां पे तुम ग्रैनी चैप्टर 3 नहीं, वहां पे आपको जितने भी एंड्रॉइड गेम्स है ना iOS गेम है वहां पे आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। तो यार देखो सॉफ्टवेयर का नाम है गेम लूप्स, आई थिंक आपने इसका नाम सुना होगा, नहीं सुना तो कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं आपको आज के वीडियो में एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर तुम जाके इस गेम को डाउनलोड कर सकते हो। तो इस सॉफ्टवेयर को कैसे जाके कहां से जाके डाउनलोड करना है, तो देखो तुम्हें कुछ नहीं करना है इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए। नॉर्मली अपना एक कोई भी ब्राउजर ओपन करना, ब्राउजर ओपन करने है यहां पे तुम्हें नॉर्मली सर्च मारना है मेरे भाइयों गेम लूप डाउनलोड। जैसे तुम ये सर्च मारोगे ना तुम्हारे सामने सेम पेज खुल के आ जाएगा और ये जो पहला वेबसाइट देख रहे हो द बेस्ट एंड्रॉइड एम्यूलेटर, इस पे तुम्हें सिंपली से क्लिक करना है। जैसे तुम क्लिक करोगे तो तुम्हारे सामने कुछ सेम इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ये इंटरफेस खुल जाने के बाद मेरे भाइयों देखो तुम्हें क्या करना है इस गेम को इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए। तो यहाँ पे तुम्हें डाउनलोड का दो ऑप्शन शो हो रहा है, तो गाइस इस पे मत क्लिक करना, यहाँ पे ये पबजी मोबाइल डाउनलोड हो जाएगा। वरना ये जो डाउनलोड का ऑप्शन देख रहे हो ना गेमर लूप गेम लूप सीखकर के यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन अब शो हो रहा होगा, आपको नॉर्मली आके इस पे क्लिक कर देना। जैसे तुम यहाँ पे क्लिक करोगे आपके सामने कोई ये इंस्टॉलर डाउनलोड हो जाएगा, तो इस पे तुम जैसे क्लिक करोगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा होगा। आई थिंक ये आपको ब्लैक एंड व्हाइट में दिख रहा होगा तो इसे इग्नोर माना। देखो मैंने इसे यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे मेरे को स्टार्ट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, बट स्टिल यहाँ पे आपको इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा क्योंकि आपने डाउनलोड करके नहीं रखा होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके रखा है इसलिए मेरे को डायरेक्ट यहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन आ रहा है। मैं स्टार्ट पे क्लिक करूंगा तो मेरा डायरेक्टली ये जो पेज है बैकग्राउंड में ओपन हो जाएगा। तो गाइस मैं यहाँ पे इसे कट करता हूँ और मैं दिखाता हूँ कि इस गेम का लोगो कैसा है। तो गाइस देखो जैसे तुम इंस्टॉल कर लोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का लोगो बन के आ जाएगा आपके डेस्कटॉप पे, ठीक है। तो यार इसे डाउनलोड करने के बाद इसे नॉर्मली तुम्हें ओपन करना है, इस पर डबल क्लिक करके ओपन कर लेना। और गाइस यहाँ पे तुम्हें कोई भी ऐसा कोई आईडी वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट तुम डाउनलोड करोगे आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने पहले से ओपन करके रखा था ग्रैनी 3 का पेज, तो इसलिए वहाँ पे आपको शो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद मेरे भाई तुम्हें डाउनलोड करना है ग्रैनी चैप्टर 3। तो ये देखो यहाँ पे आपको जितने भी एंड्रॉइड गेम्स हैं ना iOS गेम है यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, पबजी मोबाइल, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल, ग्रैना फ्री फायर, मतलब जितने भी गेम्स हैं यहाँ पे आपको एंड्रॉइड गेम्स यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। तो यार तुम्हें डाउनलोड करना है ग्रैनी चैप्टर 3, तो यहाँ पे तुम देख लोगे सर्च बॉक्स में, सर्च बॉक्स में आकर नॉर्मली ग्रैनी जैसे तुम लिखोगे तो आपके सामने ग्रैनी चैप्टर 1, ग्रैनी 2, ग्रैनी 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे तुम क्लिक करना ग्रैनी चैप्टर 3 पे और यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन देख लोगे, जैसे इंस्टॉल कर लोगे आपका ये गेम इंस्टॉल हो जाएगा और रन करना स्टार्ट हो जाएगा वहाँ पे, आपका रन का ऑप्शन आ जाएगा, उसके तुम रन करा के इस गेम का मजा उठा सकते हो। तो कहीं डाउनलोड करने लगे जो देख रहे हो डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आपने जितने भी गेम्स डाउनलोड करके रखे हैं वो आपको शो हो जाएंगे। तो गाइस देखो मैंने ग्रैनी चैप्टर 2 डाउनलोड किया था तो यहाँ पे तुम्हें ग्रैनी चैप्टर 2 शो हो रहा है, तो मैं इसे देखो ग्रैनी चैप्टर 2 आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। गाइस देखो यहाँ पे ये जो गेम है मेरा रन हो गया है, देखो रन होने के बाद कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस शो होगा, यहाँ पे आप देख ही सकते हो ये गेम मेरा रन होना स्टार्ट हो गया है। तो कुछ देर में यहाँ पे वेट कर लेता हूँ और यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ मेरा गेम रन कर जाएगा। गाइस देखो ये जो देख रहे हो ना ये ग्रैनी चैप्टर 2 है, बट स्टिल आपको चैप्टर 3 डाउनलोड करना है तो वहाँ जाके चैप्टर 3 डाउनलोड कर लेना। मैंने यहाँ पे चैप्टर 2 खुद के खेलने के लिए डाउनलोड किया था, देखना था वो कैसा गेम है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्ले पे क्लिक करता हूँ और स्टार्ट कर देता हूँ गेम को, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा इंटरफेस है गेम का चैप्टर 2 का। आपको तो चैप्टर 3 डाउनलोड करना है तो आप कर सकते हो अपने हिसाब से डाउनलोड, जैसा तुम्हें खेलना है, जैसा जो भी गेम खेलना है आपको उस सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डे 1 है गाइस, जो मैं यहाँ पे गेम प्ले नहीं खेल रहा, गेम प्ले खेलूंगा तो बहुत ही ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं आपको दिखाना था बस दिखाना था कि गेम जब आप रन कराओगे तो आपके डेस्कटॉप पे ये कैसा लगता है, ठीक है। तो यार यहाँ पे देखो मैं अगर यहाँ पे से W प्रेस करूँगा तो ये नॉर्मली आगे जाएगा, और जैसे मैं D प्रेस करूँगा तो राइट, और A प्रेस करूँगा तो लेफ्ट, और ऐप से गेट खुलता है। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली सब ऑप्शन मिल जाएंगे जैसे है, ठीक है। मैं इसे कट करता हूँ मेरे भाइयों,
तो गाइस यार देखो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को जरूर से लाइक करना और चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करिए जरूर से बताना कि नेक्स्ट टॉपिक आपको किस वीडियो के ऊपर चाहिए। मैं ट्राई करूंगा वो वीडियो भी बनाने का। और गाइस देखो कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट कर देना जिससे मैं मोटिवेट हो जाऊँ। तो गाइस मिलते हैं तुम सही से एक और नई फ्रेश ब्रांड वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।